इश्क एक मील भारी पत्थर है, बोझ कब नातवां से उठता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मलय और चलचित्र टॉक्स में आपका बेहद स्वागत है। मैंने मीर तकी मीर के इस शेर से शुरुआत इसलिए की, बहुत ही सुंदर गजल है। देख तो दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है, उसी नज्म का ये आखिरी शेर है जो मैंने अभी पढ़ा आपके साथ, कि इश्क एक मील भारी पत्थर है कि बोझ कब तुझ नातवां से उठता है। तो ये दो बार पढ़ने का जो कारण है वो मैं अभी वो आपको समझ आएगा। जिस कवि के बारे में हम बात करेंगे आज, वो मंगलेश डबराल हैं। मंगलेश का जन्म 1948, आज़ादी के एक साल बाद उत्तराखंड में हुआ। मंगलेश अब उत्तराखंड में ही पले बढ़े, लेकिन काम के सिलसिले में दिल्ली आए और पिछले कुछ दशकों से वे यहीं रहते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता उन्होंने की है बड़े लंबे समय। उन्होंने जनसत्ता में काम किया और नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ जुड़े रहे हैं। 5 किताबें मंगलेश की आ चुकी हैं, 5 कविता संग्रह की, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता। ये जो कविता आज मैं आपके साथ पढ़ूंगा वो घर का रास्ता कविता संग्रह से है। हम जो देखते हैं आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु, ये कविता संग्रह मंगलेश की आ चुके हैं। तो मैंने जो शेर आपसे पढ़ा शुरू में, उसी शेर से अब मैं वापस इस कविता पे आता हूँ। वो कोई बहुत बड़ा मीर था जिसने कहा प्रेम एक भारी पत्थर है। वो कोई बहुत बड़ा मीर था जिसने कहा प्रेम एक भारी पत्थर है। कैसे उठेगा तुझ कमजोर से, वही जो मीर ने कहा आपसे थोड़ी देर पहले। कि वो कोई बहुत बड़ा मीर था जिसने कहा प्रेम एक भारी पत्थर है, कैसे उठेगा तुझ कमजोर से। मैंने सोचा इसे उठाऊं टुकड़ों टुकड़ों में, मैंने सोचा इसे उठाऊं टुकड़ों टुकड़ों में, तब वह कहां होगा प्रेम, तब वह कहां होगा प्रेम, वह तो होगा एक हत्याकांड। तब वह कहां होगा प्रेम, वह तो होगा एक हत्याकांड। एक तो मुझे बहुत पसंद है कविता, क्योंकि मीर से मंगलेश जिस तरह से सवाल उठाते हैं, जिस तरह से सवाल पूछते हैं मीर से कि किस हक से तुमने मेरे प्रेम पर सवाल उठाए, कि तुम कौन होते हो ये पूछने वाले कि मैं कमजोर हूं या नहीं, या प्रेम मुझसे एक बार में उठेगा या नहीं। तो मंगलेश की कविताएं जो हैं वो मुझे हमेशा से इट हैज़ फंक्शन फॉर मी लाइक अ मेमोरी मोस्टली, लाइक यू नो, एक याद की तरह से वे मेरे जहन में रहती हैं हमेशा। मंगलेश की बहुत सारी कविताएं हैं, उनके कविता संग्रहों से ही मैं शायद एक बार और मंगलेश की कविता पढ़ूंगा आपके साथ। लेकिन अभी एक बार अगर इस कविता के बारे में बात करें, तो मीर से मंगलेश ने पूछा कि वो कोई बहुत बड़ा मीर था। ये आपको मंगलेश, आपको जो भी पढ़ रहा है कविता उसको मंगलेश बता रहे हैं कि वो कोई बहुत बड़ा मीर था जिसने कहा कि प्रेम एक भारी पत्थर है, कि कैसे उठेगा तुझ कमजोर से। वो जो शेर है उसमें नातवां शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नातवां का मतलब है कमजोर, निरीह, नादान। तो कि इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब तुझ नातवां से उठता है। तो मैंने सोचा इसे उठाऊं टुकड़ों टुकड़ों में, क्योंकि इफ लव एज एन एंटिटी इज सो हैवी दैट द पोइट इज नॉट एबल टू पिक इट अप, देन ही सजेस्ट। तो वो शायद वो सोचते हैं एक बार के लिए कि अगर मैं इसे एक बार में नहीं उठा पा रहा हूं तो क्या मैं इसे टुकड़ों टुकड़ों में उठाऊं। लेकिन वो जो जिस जिस सवाल पर वे मीर से टकरा रहे हैं, उसी सवाल पे वो खुद से भी टकराते हैं। वो कहते हैं कि तब वह कहाँ होगा प्रेम, वह तो होगा एक हत्याकांड। तो हाउ लव टर्न्स इनटू अ मैसेकर। अब प्रेम के बारे में बात की जाए कुछ, तो प्रेम यहाँ हत्याकांड का अर्थ, यहाँ शायद हत्याकांड के अलावा कुछ और भी शब्द इस्तेमाल हो सकता था, शायद थोड़ा सा आसान कोई शब्द इस्तेमाल हो सकता था, या शायद प्रेम की उपमा जो है हत्याकांड के साथ न करके किसी और चीज के साथ की जाती जा सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हत्याकांड से अच्छा शब्द इस कविता में इस्तेमाल हो नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड के बाद एक जमीन बिखरी हुई, टूटी हुई, चारों तरफ लहूलुहान चिथड़े नजर आते हैं, कि एक टूटा हुआ प्रेम भी हमें उसी तरह नजर आता है। तो व्हेन यू एक्सेप्ट लव, व्हेन यू अडॉप्ट लव, व्हेन यू ट्राई टू जस्ट ट्राई टू इमिटेट दैट, ओके यू हैव लव्ड समवन, और वाइल देयर लव एज अ वन एंटिटी यू ट्राइंग टू एक्सेप्ट इट। हम क्या करते हैं कि हम शायद बहुत बार उस प्रेम को उसके सभी खंडों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो प्रेम के साथ, उस प्रेम में उसकी एंजाइटी भी है, थोड़ी जलन भी है, ईर्ष्या भी है, उस प्रेम के अपने बहुत सारे सवाल भी हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि शायद जो एक मेरा जो भी एक चाहे वो आप उसे रिलेशनशिप कहें या आप उसे सिर्फ एक लव अफेयर कहें, आप जो भी शब्द आप उसके लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो उस प्रेम में, उस प्रेम को आपको एक पूरे
एक कंप्लीट प्रेम के प्रोसेस के साथ आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये नहीं सोचते कि अच्छा ठीक है, यहां मैं किसी से अगर प्रेम करता हूं तो यहां ये कुछ बातें हैं जो अच्छी हैं, ये कुछ बातें हैं जो खराब हैं, और मैं उस अच्छी चीजों को अपने पास रख लूं और मैं खराब चीजों को छोड़ दूं। तो ये उस एंजाइटी से जूझती हुई एक कविता है कि अगर आप प्रेम को टुकड़ों टुकड़ों में उठाएंगे तो प्रेम प्रेम कहां रहेगा, वह हत्याकांड होगा। तो मंगलेश की यह कविता थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कविता कैसी लगी आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताएं। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अलविदा।